आज की जो रेसिपी है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी सी है, और इसमें हमने ज़्यादा तेल का प्रयोग नहीं किया है। स्टीम्ड रेसिपी है हमारी, ये टी टाइम के समय आप इसे खा सकते हो और इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में ये आपकी रेसिपी बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। और इसके लिए चलिए हम देख लेते हैं कि क्या किए हैं हम। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कटोरी पानी ले लिए हैं, अपने कढ़ाई में डाल दिए हैं, और 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं। घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। थोड़ा सा नमक और 1/4 कटोरी ही आपको चावल का आटा लेना है। तो जितना पानी आप लेंगे अपने कटोरी या गिलास से नाप के, उतना ही बराबर मात्रा में आपको चावल का आटा ले लेना है। तो इसे आपको गर्म पानी में 1 से 2 मिनट ऐसे चला लीजिएगा अच्छे से, और फिर ढक दीजिएगा इसे 10 मिनट के लिए कि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। और जब आपका 10 मिनट हो जाए तो आप इसे एक बाउल या किसी बर्तन में निकाल लीजिएगा, और इसे आप आटे के जैसे गूंथ लीजिएगा। इसमें आपको पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं अलग से पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको इसमें पानी जो बताया है वो बिल्कुल ही सही बताया है। ना थोड़ा आपको कम पड़ेगा इसमें पानी और ना ज़्यादा, तो बिल्कुल बराबर मात्रा में आप पानी डाल के इसे कर लीजिएगा। अब हमें इसकी लोइयां बना के 1 चम्मच की सहायता से इसे दबा देना है, और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन गया। अगर आपके पास चम्मच इस तरह का ना हो तो आप अंगूठे से भी इसको कर सकते हैं, या कोई ढक्कन हो उससे भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसे सारे पीसेस को बना लिया है चावल के अच्छे से, और अब हमें करना है एक कढ़ाई में पानी गरम। तो हमने पानी गरम करने के लिए रख दिया है, साथ चलनी में हमने घी लगा लिया है जिससे कि ये जो पीस हम चावल का रखेंगे वो इसमें चिपकेगा नहीं। और सारे पीस को आपको इसमें रख के 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपको ढक के छोड़ देना है। ये आपका 15 से 20 मिनट में बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारे 20 मिनट हो गए थे और ये बहुत ही अच्छा बन गया है। पकने का इसका आपको बताऊं कैसे पता चलेगा, तो इसमें चमक आ जाएगी और 20 मिनट में ये पक जाता है। तो अब हम अपने कढ़ाई में 1 कलछुल के हिसाब से तेल डाल लिए हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो आप इसमें सरसों का तड़का लगाइएगा, साथ डालिएगा प्याज। तो मैंने लंबी लंबी पीसेस में एक प्याज काट लिया था, और ट्रांसपेरेंट होने पे आपको इस पे डालना है तिल। 1 चम्मच तिल डाल के इसमें 2 सूखी मिर्च, करी पत्ता ढेर सारे इसमें डाल दीजिएगा, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और साथ मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर, चटपटा सा स्वाद देने के लिए। अब मैं अपने सारे चावल के पीसेस को इसमें डाल के तड़का लगा दूंगा इसका, और बढ़िया से इसे जो है 1-2 मिनट तक चलाते हुए भूंज लेना है। फिर इसके ऊपर चाट मसाला आपको छिड़क देना है, और ये आपका तैयार हो गया है चावल के आटे की बिल्कुल ही चटपटी और नई रेसिपी। तो मेरी अगर चैनल की रेसिपी आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।